क्लास नाइन्थ में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और अब फिलहाल हम लेंगे 1.2 जो 1.2 एक्सरसाइज, उसको पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास में। और इसमें पहले आ रहा है आपके वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देखो जितनी भी है जो परिमेय संख्याएं हैं वह अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है, यानी एक तो आपके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है उस समूह को हम क्या बोलेंगे, यहाँ वास्तविक संख्याएं कहेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है, कंप्लीट जो समूह है, उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। और वास्तविक संख्याओं में जो भी पूर्णांक है तो पूर्णांक भी इसमें शामिल है। और आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी पूर्ण संख्या पूर्णांक में शामिल है, तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, यानी जो भी संख्याएं हैं वो सारी किसमें आती है, वास्तविक संख्याओं में उनको शामिल कर। यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आ गई इसमें, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है, पूरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। और वास्तविक संख्या, संख्या रेखा पर इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर -1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये पूरा जो ग्रुप है वो क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का होगा, जिसके अंदर प्रीमेय भी शामिल है और अपरिमेय भी शामिल है। प्रीमेय के बारे में तो आपको बताया वाली, जिसको पी बटा क्यू के रूप में हम दर्शा सकते हैं, या जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है, जो संख्याएं पूर्ण, और थर्ड नंबर पे आएगी जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, उन सबको हम किसमें शामिल करते हैं, प्रीमेय संख्या। और जस्ट इसका विपरीत होगा वो होगी अपरिमेय संख्या। अब इसी क्रम में देखो क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें 1.2 में 1.1 और 1.2 इजी है प्रश्न वाले। और पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सत्य और असत्य बताना है, जो भी यहाँ जो कथन है ये दिया हुआ है आपको। तो पहला कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले में है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक पॉइंट दो एक्सरसाइज है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन देखो सत्य है असत्य है, तो ये कथन सत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इसकी परिभाषा क्या है वास्तविक संख्या की, उस परिभाषा का हम यहां वर्णन करेंगे कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होगी, कि जो वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी शामिल है और परिमेय भी शामिल है। तो इस कथन को आप ये क्या लिखोगे, सत्य, सत्य कथन है। और इसका रीजन, यानी कि इसका कारण आपको देना है कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित हैं। यहां आप लिख सकते हो वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी शामिल है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है, केवल अपरिमेय की। यानी वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी शामिल है, संख्याएं भी सम्मिलित है या शामिल है, यह आ जाएगा इसमें। यानी कि इसमें क्या होता है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं रहती है, लेकिन यहां क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, अपरिमेय संख्या से। तो इसके अंदर अपरिमेय संख्या शामिल है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक विद्यंग एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु अंडररूट एम के रूप में होता है, अंडररूट एम के रूप में होता है। और जहां पर एम क्या है, एम है वहां पर एक प्राकृत संख्या, जहां एम एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या,
एक प्राकृत संख्या m, और संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है, तो ये कथन आपका क्या रहेगा यहाँ, असत्य। तो इस कथन का कारण हम बाद में देंगे, पहले इसको क्या दिखाएंगे, असत्य। जैसे संख्या रेखा है, तो इस संख्या रेखा में जीरो, ये एक दो तीन चार पाँच, अब आप इन सबका रूट लो, वो एक रूट दो रूट तीन रूट चार रूट पाँच, और यहाँ से माइनस एक, तो माइनस एक का रूट लेंगे, माइनस दो का रूट लेंगे, तो माइनस दो और माइनस रूट माइनस वन, ये क्या होती है यहाँ पे, वास्तविक संख्या ही नहीं रहती। इन संख्याओं को हम क्या नहीं कर सकते, वास्तविक संख्या नहीं कर सकते, और साथ में जो प्रत्येक बिंदु अंडर रूट के रूप में नहीं रह सकता है, प्रत्येक बिंदु पूर्णवर्ग नहीं हो सकता है यहाँ, तो ये कथन क्या होगा, असत्य में इसको शामिल करेंगे, तो ये कथन असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा पॉइंट इसका, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पॉइंट दो एक्सरसाइज चल रही है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका कारण क्या रहेगा, ये सत्य होगा सत्य होगा, ये आप खुद पता करो, देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक नहीं हो सकती है। देखो अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्याओं में शामिल करते हैं, साथ में परिमेय संख्याओं को भी इसमें हम शामिल करते हैं, तो वास्तविक संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन है, जो संगठन है वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं में क्या क्या शामिल है, परिमेय भी शामिल है और अपरिमेय भी शामिल है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन है, समूह है, वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती, केवल एक अपरिमेय, तो ये गलत है यहाँ पे कथन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कथन असत्य। और इसका कारण क्या देंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या किस रूप में हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में होती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय हो सकती है, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी ये संख्या परिमेय भी हो सकती है आपके पास और अपरिमेय भी हो सकती है, कि दोनों में कोई भी हो सकती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि वो अपरिमेय ही रहेगी, परिमेय भी हो सकती है। तो ये कथन फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर से, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है या नहीं, गिव एन एग्जांपल, यानी एक आप उदाहरण दीजिए इससे संबंधित कि वह परिमेय संख्या, कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ये पूर्णांकों का वर्गमूल, पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। तो ये कथन आपके पास क्या होगा, इसका हाँ या ना में आंसर देना है, जिसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, नहीं हो सकता, यानी कि सभी का क्या नहीं हो सकता, अपरिमेय नहीं हो सकता। जैसे मैं इसका एग्जांपल दें, रूट एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है, रूट एक का क्या होता है, एक, जो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन पहले ही कथन यहाँ पर क्या है, इसका विरोध प्रकट कर रहा है। जैसे अंडर रूट दो है, इसका लेते हैं तो अंडर रूट दो का अंडर रूट दो ही रहेगा, इसका पॉइंट में हम क्यों निकाल सकते हैं, यानी एक पॉइंट चार एक चार, तो लेकिन ये क्या रहता है आपके पास, अपरिमेय, अपरिमेय। जैसे एक का हमने वर्गमूल निकाला, एक का तो कितना आया, एक, दो का वर्गमूल लिया तो ये पॉइंट में चला गया, क्या गया, अपरिमेय। ऐसे तीन का लेंगे तो अंडर रूट तीन रहेगा, अंडर रूट तीन का मान लो एक पॉइंट सात तीन दो पॉइंट में जाएगा, और ये भी क्या रहेगा आपके पास, अपरिमेय,
ये भी किस श्रेणी में जाएगा? अपरिमेय की श्रेणी में जाएगा। रूट चार है, रूट चार का लेंगे तो कितना आएगा? दो, जो क्या होगा? परिमेय। तो यहां से देखो ये एक बात स्पष्ट है कि यानी कि कोई भी धनात्मक, जैसे सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल लेंगे तो वो क्या हो सकते हैं? परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। तो ये कथन, इसका आंसर आपको क्या लिखना है? नहीं लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, और साथ में आप ये एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हो क्वेश्चन के आंसर में। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, यानी रूट पांच को आपको नंबर लाइन पे जो संख्या रेखा है उस पर प्रदर्शित करना है। रूट पांच है उसको संख्या रेखा पे दर्शाइए, अंडर रूट पांच को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अंडर रूट पांच को किस पे दिखाना है आपको? संख्या रेखा पे। तो संख्या रेखा पे देख, इसको दिखाने से पहले आपको संपूर्ण त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा। संपूर्ण त्रिभुज, ये कोई संपूर्ण त्रिभुज आपके पास जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, कि वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण संपूर्ण हो, संपूर्ण मीन्स 90 डिग्री का। यह 90 का कोण है ए बी और सी, और कोण जो ए है, जो 90 का कोण है, इसके ठीक सामने की भुजा कहलाती है करण। तो ये क्या कहलाएगा इसमें? करण। पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, यानी 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे? करण। और बाकी जो बच गए वो आधार और लंब, इनमें आधार और लंब आप किसी को भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर करण या फिर क्या होगा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी ये आधार, ये लंब, ये आधार और ये लंब यहां चयन होते रहेंगे। तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम? करण कहते हैं। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो पाइथागोरस प्रमेय है या बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय करण की स्क्वायर यानी करण का वर्ग, ये बराबर होगा आधार के स्क्वायर के, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इस रूप में होता है। यानी करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन का हम हल करें तो आपको इसी प्रमेय का इसमें प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन के हल में अंडर रूट पांच है, तो अंडर रूट पांच का हम वर्ग करें तो किस रूप में होगा? अंडर रूट पांच का यानी कि इसको तोड़े तो यहाँ एक का स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ दो का स्क्वायर तो कितना आ गया? चार। एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक। और इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट पांच। इनको जब दोबारा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? अंडर रूट पांच। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक का स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर के रूप में इसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अब देखो आगे यहां से, तो ये तो आ जाएगा इसमें करण, यानी करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अंडर रूट पांच बराबर, यानी करण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और यहां से केवल हमारे को करण का मान निकालना है, केवल करण का आपको मान निकालना है। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो यहां से आ जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो करण का मान तो आपके पास कितना है? पांच। ये पांच लेके चल लो आप, यहां करण का मान तो आपको कितना मानना है? पांच। और आधार का मान कितना आ गया? एक सेंटीमीटर। और लंब का मान कितना आ गया? दो सेंटीमीटर। यानी कि जो आधार है इसका मान है एक सेंटीमीटर है, लंब का मान है आपके पास दो सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना आ गया? पांच सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इसका आधार खींचे तो आधार कितना है? एक सेंटीमीटर है। तो ये संख्या रेखा हम लेंगे इस प्रकार से, आपको स्केल से लेना है, स्केल पेंसिल इनका यूज करते हैं। ये जीरो हो गए यहां संख्या रेखा पर, ये कितना आ गया? एक। ये जैसे पॉइंट आपके पास ए, और ये पॉइंट आ गया बी, जिसको हमने क्या मान लिया? आधार। ये आ गया एक सेंटीमीटर लंबा, हमने आधार इसका खींचा। फिर इसके ऊपर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा बिंदु बी पर। बिंदु बी पर हम क्या बनाएंगे? 90 का कोण।
क्योंकि देखो आगे को क्या है, यहाँ लंब है तो जहां पर भी लंब बढ़ाते हैं वहीं 90 डिग्री का हम कोण प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना, प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाना आता होगा। ये पहला चाप हम यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से फर्स्ट जो कटेगा वो कितने कटेगा 60 डिग्री का, दूसरा यहाँ से जो काटेंगे वो कितने कटेगा 120 डिग्री का, फिर 60 और 120 डिग्री का हम समद्विबाजन करेंगे। 60 और 120 डिग्री का क्या करेंगे यहाँ समद्विबाजन, और समद्विबाजन से हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री का कोण। एक बार तो यहाँ 60 पे रखो प्रकार को, और यहाँ से इस प्रकार से चाप काटो, दूसरा आपको काटना है 120 से, सॉरी 60 से और एक 120 से, इस प्रकार से हमारे पास ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसको डोटेड लाइन से आप मिला सकते हो। फिर आपको यहाँ बिंदु बी पर यानी कि वो रखना है स्केल, और स्केल से ये देखो आपको कितना नापना है लंब 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर लंबा आप यहाँ लंब ले लो, ये 2 सेंटीमीटर आ गया, ये कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। फिर इसको इस से मिला दो, इस ओ से या ए से हम इसको मिला देंगे 0 से, तो ये जो दूरी है वो क्या आ जाएगी √5। इस दूरी को हम मान कितना हो जाएगा √5 आ जाएगा आपके पास, इस दूरी का मान कितना आ जाएगा √5। फिर आप जैसे मान लो इसको रख के यहां से यानी ये चाप काट सकते हो आगे, यानी कि आपको इतनी इतनी दूरी लेनी है प्रकार में, और इसका इस प्रकार से कोई अर्धवृत्त हम बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं आप अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त बनाएंगे तो यहां तक की जो दूरी है इसको और आगे आप बढ़ा दो, जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए बी सी पॉइंट, ये आ गया, ये पॉइंट आ जाएगा डी, तो ये जो ए डी तक की दूरी है वो क्या होगी √5, या फिर ओ सी तक की दूरी है या फिर ए सी तक की दूरी है वो भी कितनी होगी √5। इस प्रकार से आप इसको संख्या रेखा पे दिखा सकते हो, तो संख्या रेखा पे हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो है क्लासरूम एक्टिविटीज की कक्षा कक्ष की गतिविधि, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब चलते हैं 1.3 में, जिसमें क्या है आपके पास शांत और अशांत आपको लिखना है, कौन सी इसमें शांत है और कौन सी भिन्न अशांत है। तो देखो शांत और अशांत दो प्रकार की, इसमें शांत के लिए शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार आ रहे हैं आगे, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा आता है शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो शांत दशमलव प्रसार में, शांत दशमलव प्रसार में अंश और हर दो रहेंगे आपके पास, अंश और हर, और देखो इस अंश में हम हर का भाग देंगे, हर का भाग इसमें देंगे अंश में, और यदि आपके पास शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए इसमें 0 आ जाए, शेषफल शेषफल 0 यहां प्राप्त हो जाए, चाहे आपके दशमलव के बाद आए चाहे इसमें 0, शेषफल 0 कब आ सकता है, दशमलव के बाद भी आ सकता है, दशमलव से पहले भी आ सकता है। जैसे 3/5 है तो यहां पर 5 है, 5 का भाग देंगे 3 में तो नहीं जाता, 0 पॉइंट का यूज करेंगे तो यहां 0, 5 का भाग दिया कितनी बार 6 बार, ये 30, शेषफल यहां क्या आ गया 0। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो दी गई भिन्न क्या होगी, जिसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार से हम इसको शो करेंगे, तो आप आराम से इसको समझ सकते हो कि सबसे पहले क्या करेंगे, हर का भाग देंगे अंश में, यदि शेषफल 0 आ जाता है चाहे दशमलव से पहले आए या फिर दशमलव के बाद आए, या तो दशमलव से पहले भी आ सकता है या दशमलव के बाद भी आ सकता है 0, तो 0 आ जाता है तो यानी कि वो क्या होगी शांत दशमलव प्रसार होगी। यदि 0 नहीं आता है और भाग लगातार चलता ही जाता है, जैसे अशांत दशमलव प्रसार में यानी अंश और हर आपको दिए जाएंगे, अंश और हर, फिर हम हर का भाग देंगे अंश में और ये भाग खत्म ही नहीं होगा, यानी कि इसमें शेषफल 0 आएगा ही नहीं, इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल नहीं होगा 0 के बराबर, यानी कि इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे देखो 17/3 है तो 3 का भाग हम 17 में देंगे, 3 का भाग 17 में देंगे,
कम रहेगी यहाँ तो 3/17, 3 का भाग दिया 17 में, 5 बार 15, शेषफल कितना आ गया 2। दोबारा यहाँ पॉइंट लगा दिया, आगे दशमलव तक चलने दो भाग को, या 0, 3 का भाग देने पर 6, तो कितना आ गया 18। दोबारा 2, दोबारा 0, दशमलव लगाया हुआ 6, 6, 6, ये चलता ही रहेगा भाग, और यहाँ पर भी भाग चलता ही रहेगा। सुबह से शाम तक चाहे आप इस भाग को करते रहो तो भी इसके अंदर शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इस भाग में क्या होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार की जो भिन्न है जिनमें शेषफल 0 नहीं आता है उनको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार, और जिसमें शेषफल 0 आ जाता है उनको क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो देखो इसको पहचानने के लिए शॉर्ट में आपको देखो ध्यान रखना है कि जिसके हर किस रूप में है, 2 के रूप में, 2 है 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 है 5 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जिनका हर किस रूप में हो 2 गुणा 5, इनकी घात कितनी भी हो सकती है, और घात क्या रहेगी यहां पर, प्राकृत संख्या में रहेगी कि ये 2 गुणा 5 के रूप में है जिनका हर, वो हमेशा क्या होता है, श्याम दशमलव प्रसार में जाता है। और जिनमें मान लो कि जैसे 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 9 आ जाए, 17 आ जाए, 13 आ जाए, तो वो क्या होगी फिर, अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब जैसे इसी टाइप से क्वेश्चन है 1.3 में आपकी, 1.3 में पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला इसमें 36/100। अब आपको ये दिखाना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ये आपको शो करना है। तो हम 100 का भाग देंगे 36 में, नहीं जाता है, 0 पॉइंट का यूज करेंगे, पहले पॉइंट लगाया तो यहाँ 0, अब 100 का भाग 360 में देंगे 3 बार, 300, शेषफल कितना आ गया 60, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ले सकते हैं, अब 6 बार शेषफल यहाँ कितना आ गया 0, कि शेषफल 0 है इसका, 36/100 का दशमलव प्रसार क्या आ गया 0.3 है। तो दशमलव प्रसार देखो किस प्रकार का, ये शांत है या अशांत है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड क्वेश्चन है 1/11, सेकंड क्वेश्चन है 1/11। अब आपको 11 का भाग देना है 1 में, जो हर है हर का भाग किसमें देंगे, अंश में, तो भाग नहीं जाता है 0 पॉइंट, या 0 लगाया अभी भी नहीं जा रहा तो 0 एक और ले लो, 100 में जाएगा, 11 का भाग 100 में देंगे 9 बार, 99, शेषफल कितना बचा 1, कि दोबारा वही पोजीशन आ गई 1 से, दोबारा 0, 1 0 तो देखो यहां से हम ले सकते हैं पॉइंट है, तब 1 0 1 0 लगाने के बाद 100, वही 9 बार 99, तो इस प्रकार से ये भाग आगे तक चलता ही रहेगा और इसमें शेषफल नहीं आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया 0.0909, और साथ में किस प्रकार का है, अशांत दशमलव प्रसार, तो यहां हम लिख सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार, किसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, शांत नहीं होगा इसमें, अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत और अशांत के क्वेश्चन है ये आपको करके देखना है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, नोट करो आप, थर्ड क्वेश्चन आपको खुद को करना है, 4 सही 1/8, ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लो, फिर आराम से इसको करके देख लो, 8 चौक 32 रे 33/8, इसका सामान्य रूप आ जाएगा 33/8। और अब आगे इसको आप कर सकते हो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन है इसमें 3/13, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करो, और पांचवा क्वेश्चन है 2/11, तो इनका आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा और देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
1.3 का किस नंबर से? एक पॉइंट तीन का है क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ो, यानी यू नो डेट, यानी आप जानते हो कि 1/7 का मान आपको दिया हुआ है। 1/7 का मान है 0.142857 और इस पे ये चिन्ह लगा हुआ है। चिन्ह का मतलब क्या होगा? पुनरावर्ती चिन्ह इसको कहते हैं। यदि हम इस चिन्ह को हटा देंगे तो दोबारा ये संख्या स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 1/7 इस चिन्ह को मैं ऐसे हटा रहा हूं तो 0.142857, तो दोबारा यहीं से इसको स्टार्ट कर देंगे। 1, 4, 2, 8, 5, 7 दोबारा यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ये कभी रुकेगा नहीं, 8, 5, 7 यानी कभी इसका एंड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से केवल इन संख्याओं पर लगा देते हैं वाक्य कि जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है उन अंकों पर ये जो पुनरावृत्ति चिन्ह है ये लगा देते हैं। और फिर आपको यहाँ पे निकालना है 2/7 का मान, 2/7 का मान निकालो, 3/7 का मान ज्ञात करो, 4/7 का मान, 5/7 का मान और 6/7 का मान आप ज्ञात कर सकते हो। केवल आपको ये पॉइंट दिया हुआ है कि 1/7 का मान कितना है, 0.142857 है, कि 0.142857 है। तो आप यहां 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान आपको निकालना है। तो पहले निकाल लें 2/7 का मान। तो देखो 2/7 को यूं लिख सकते हो, 2 × 1/7, 2 × 1/7, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, तो 2/7। अब आपको यानी कि इसका मान है आपके पास दिया हुआ 1/7 का मान, ये 0.142857 है, तो इसको कितने से गुणा करेंगे, इस मान को 2 से गुणा कर दो, तो 2 × 0.142857, 2 से इसको गुणा कर रहे हैं तो 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, 11 × 8 × 2 = 16, 17 × 4 = 5 और 8 0.0। तो इसका मान निकाल, जब 3/7 से गुणा कर आपका मान ज्ञात करना है तो इसको कितने से गुणा करेंगे, 3 से, 3 × 1/7, तो 3 से गुणा करना है इस मान को 0.142857। 7 × 21, 5 × 15 = 17, 8 × 24 = 25, 3 × 2 = 6 और 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3 = 4, ये मान आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से 4/7 का मान ज्ञात कर सकते हो, 4 × 1/7, 1/7 का मान है 0.142857, इससे गुणा कर दो। ऐसे 5/7 का मान और ऐसे 6/7 का मान आपको खुद को अब निकालना है। तो ये तीन मान है जो आप इनको खुद निकाल लो इसकी तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड तक आज इसमें यहाँ कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट भी है आपके, क्वेश्चन नंबर थर्ड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड। और इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क में इनको कंटिन्यू नोट करते रहो। बुक्स नहीं खरीदी है तो मार्केट में उपलब्ध है। इस बार आपका सिलेबस चेंज है, जो आपको अच्छी तरह देख के बुक्स खरीदनी है, पुरानी बुक्स नहीं चलेगी।